कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 के दोस्तों जो है आपका 24th मैच की मैच प्रेडिक्शन, और जो 24th मुकाबला है खेला जाएगा पॉस कॉचर्स बनाम सिडनी थंडर्स के बीच। ठीक है गाइस, ये मुकाबला जो है होगा 12 नवंबर की दोपहर 12:40 पे भारतीय समय अनुसार मुकाबला खेला जाएगा ड्रामोलेन ओवल सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो मुकाबला है गाइस, ये जो ग्राउंड है यहाँ पे 2020 के बाद कोई मुकाबले खेले नहीं गए, तो 4 साल बाद एक मुकाबला हो रहा है। तो आपको मैं बताऊँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। क्योंकि तो कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है ना गाइस, डॉली बैटिंग टिप्स चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन अब चैनल में डाला करूँ ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोग उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन अब चैनल से डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि गाइस दोनों मेरे ही चैनल है, तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन ऑफ में प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग क्लब चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए, और अगर आप मेरे कहने पे भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग क्लब चैनल में ज्वाइन नहीं होता है, तो प्लीज़ सॉल्यूशन ऑफ चैनल को भी लेफ्ट कर देना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप सभी लोग को रिमूव करना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ चैनल से। तो गाइस दोनों टीमों के प्लेयरों पर नजर डालो तो पर्स कोचेस के पास जो प्लेयर है, द वन एंड ऑनली बैथ मूनी, सोफी डिवाइन, चोल पी पारो, डायना हेमलता, एमी जोन्स, मकाई हिंकली, एलेना किंग, चोल एनिसवर्थ, एमी एडगर, लिली मिल्स एंड इबोनी हॉस्किन। इबोनी हॉस्किन ने क्या गजब की गेंदबाजी कराई थी मेलबर्न रेनिगेड्स के खिलाफ। अब अगर हम सिडनी थंडर वुमेन्स की टीम पर डालें, तो उनके पास जो जॉर्जिया वॉल, चमारी अट्टा पट्टू, फॉब लिचफील्ड, हीदर नाइट, थायला विल्सन, अंकिता लेओल, एनिका लेओल, सैमी जॉनसन, हैना डार्लिंगटन, थैनाली पेशल, शबनिन इस्माइल, समांथा बेट्स जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबलों पर डालूं, 5 में से 4 मैच जीत के आ रही है गाइस सिडनी थंडर वुमेन, 5 में से 3 मैच जीत के आ रही है पर्स कॉचेस वुमेन। मुकाबला बराबर का है, इन दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, 4 बार जीती है सिडनी थंडर वुमेन, 6 बार जीती है पर्स कॉचर वुमेन। तो अगर पलड़ा भारी की बात करूँ, तो हल्का सा मुझे जो है सिडनी थंडर वुमेन का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि इस टीम की जो 2-3 खिलाड़ी है ना, एक तो गाइस फोब लिचफील्ड जो कि बेहतरीन कप्तानी कर रही है, हीदर नाइट भी बहुत अच्छा खेल रही है, और वुमेन्स क्रिकेट में हीदर नाइट का एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है गाइस, तो अगर मैं इन दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों पर डालूं ओवरऑल, मतलब सभी ग्राउंड्स पे, तो सिडनी थंडर के जो 10 मैच के आंकड़े हैं, 10 में से 5 मैच जीत के आ रही है सिडनी थंडर, 10 में से 4 मैच जीत के आ रही है पर्थ, 143 रन एवरेज स्कोर है सिडनी थंडर का आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, और 212 रन हाईएस्ट है गाइस आपका सिडनी थंडर का, और पर्स कॉचर्स का 133 है, 109 रन लोएस्ट है आपका सिडनी थंडर का, 108 रन लोएस्ट है आपका पर्स कॉचर्स का। ठीक है, और गाइस अगर मैं और भी आंकड़ों पर नजर डालूं, तो इस वेन्यू पे, जो इस ग्राउंड पे ये दोनों टीमें खेली हैं, तो 5 मुकाबले खेली है सिडनी थंडर, 2 मुकाबले खेली है, तो 5 में से गाइस ये टीम जो है 2 मुकाबले जीती है इस ग्राउंड पे, और पर्स कॉचर्स जो है 2 में से 1 मुकाबले जीती है। 119 रन एवरेज स्कोर है सिडनी थंडर वुमेन का इस ग्राउंड पे, 87 रन एवरेज स्कोर है पर्स कॉचर्स वुमेन्स का इस ग्राउंड पे, 136 रन हाईएस्ट है गाइस, 136 रन हाईएस्ट है आपका सिडनी थंडर वुमेन का इस ग्राउंड पे, 112 रन हाईएस्ट है पर्स कॉचर वुमेन का इस ग्राउंड पे, 96 रन लोएस्ट है आपका सिडनी थंडर वुमेन का इस ग्राउंड पे, 62 रन लोएस्ट है पर्स कॉचर वुमेन का इस ग्राउंड पे। बारिश की संभावना की बात करें, तो बारिश मौसम रहने वाला है 24.2 डिग्री सेल्सियस, 25% की बारिश की चांसेस है। ठीक है, और अगर इस ग्राउंड पे बात करूँ, तो विन पहले बैटिंग करने वाली टीम 35% मैच जीती है, और पहले बॉलिंग करने वाली टीम जो है 60% मुकाबले जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 119 रन का रहता है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर यहाँ पे 109 रन का रहता है, हाईएस्ट टोटल जो है 165 रन है। ठीक है गाइस, सबसे लोएस्ट है 62 रन है, 62 रन वो लोएस्ट इसीलिए है कि डफलत लुइस लग गया था, तो गाइस आप कंफ्यूज मत होना, डफलत लुइस लग गया था। ठीक है, इसीलिए तो
ये है आंकड़े गाइस। तो मेरे हिसाब से सारे आंकड़े पे मैं बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊं, जिन भाइयों को भी सेशन खेलना है ना, तो सेशन खेलने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, जो मेरा चैनल है ना डॉली बेटिंग चैनल नाम से, उस चैनल में जरूर ज्वाइन होना सबको, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात ध्यान रखना, बहुत से फेक चैनल बन गए मेरे चैनल सॉल्यूशन ऑफ चैनल के नाम पे और मेरे चैनल डॉली बेटिंग चैनल के नाम पे, तो आपको उन फेक चैनल से कैसे बच के रहना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। दिए गए लिंक से ही ज्वाइन होना, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे आपको, वहाँ पर मेरे दूसरे चैनल डॉली बेटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा, सभी को डॉली बेटिंग यूट्यूब चैनल में जरूर ज्वाइन होना। तो गाइस मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी आपका गाइस सिडनी थंडर वुमेन। हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे दे दूंगा आपका टॉस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।